अवैध रेत उत्खनन के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। वहीं डिंडोरी से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां अवैध खनन के कारोबार में लिप्त ग्रामीणों ने सरपंच समर्थकों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। अवैध रेत उत्खनन का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है और अब यह कारोबार सिर्फ नामी गामी अपराधी ही नहीं बल्कि आम जनता भी करने लगी है। वहीं ढिंडोरी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि रेत के अवैध कारोबार में लिप्त ग्रामीणों और सरपंच के बीच विवाद हो रहा है और यह विवाद इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने सरपंच समर्थकों के साथ मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत करते हुए सरपंच ने पुलिस को बताया कि वह अवैध कारोबार को रोकने अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचा था, लेकिन ग्रामीण उनसे उलझ गए और समर्थकों के साथ मारपीट की, जिसके बाद सरपंच की शिकायत पर मामला दर्ज कर भूमि स्वामी पर कार्रवाई की बात कही गई है। सर, हमें जानकारी मिला था कि हमारे ग्राम पंचायत से अवैध तरीके से रेत को जो है बेचा जा रहा है, इसकी हम जांच करने के लिए हमारे सभी मेंबर और चारों ग्राम सभा अध्यक्ष हमारे साथ में उस अवैध रेत खनन तक गए, जहाँ पे हमने देखा कि हमारे उस रास्ते में पौधे लगे हैं, उनको भी सर नुकसान पहुँचाया जा रहा है। वहाँ के ट्री गार्ड को भी उखाड़ के वो लोग आग तापने के लिए यूज करते हैं, वहाँ पर पौधों को नुकसान पहुँचाया, उसकी भी संज्ञान हमने लिया। और इसी चर्चा में हमने उनसे सवाल जवाब किया कि ये रेत की परमिशन कैसा क्या है, तो बोले कि मेरे पट्टा से है और मेरे बाप की ज़मीन से निकाल रहा हूँ और तुम होते कौन हो निकाल रोक लगाने वाले। सर, वो धवडंगरी पंचायत से, उसका नाम समारू है, जिसने अपने आप को वहाँ का रेत मतलब रेत ठेकेदार बताया है, जो कहता है कि मैं ज़मीन के पट्टे से निकालता हूँ। नहीं, एक्चुअल में ये तो शिकायत पत्र आया है, शिकायत पत्र के आधार पर हम लोगों ने 116 की कार्रवाई कर देंगे और उसकी शिकायत पत्र की जांच करवा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ भूमि स्वामी सुमारू मांझी ने कार्रवाई से बचने के लिए सरपंच को एक अधेड़ व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार बताकर झूठी साजिश रची, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताया है। वहीं इस पूरे मामले में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ सिंह मरकाम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। पीएम आज सुबह 10:30 बजे हुआ है। पीएम के दौरान में जो हमको फाइंडिंग्स मिली हैं, उसमें ये चीज आ रही है कि सामान्य कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसको कल, और शरीर में बाहरी किसी प्रकार की या किसी और अंग में अंदरूनी किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है। जो यानी कि वहाँ पर वाद विवाद हुआ, उसके काफ़ी देर के बाद यानी कि मृत्यु होने की जानकारी मिली है, उसका मर्म का कायम करके जांच की जा रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।